ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको एंकर कौन कहते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा होल है। जब स्ट्रेसिंग हो जाता है तब जा करके इसके अंदर में स्ट्रेसिंग करने से पहले बेयरिंग लगाया जाता है, और बेयरिंग लगाने से पहले बेयरिंग को क्लीन भी करना होता है। बस मेरे हाथों में जो आप लोग देख रहे हो ये लाइव वेजेस है, लीजिए लाइव वेजेस से ये बड़ा है मास्टर वेजेस, और इस मास्टर वेजेस में हम लोग मोम मतलब वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो केबल कटिंग हम लोगों ने किया है उसके अंदर में टेप मार रहे हैं ये ब्राउन। गाइस देख सकते हो हमने 50 का भी स्टॉक दिया है, और अभी हम लोग रीडिंग लेने वाले हैं, जो कि देख सकते हो जो रैम निकलता है ना जैक का, वहाँ पर हम लोग देख सकते हो अभी हम लोग रिटर्न ले रहे हैं और रैम हमारा अंदर जा रहा है, जो कि आप देख सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं अर्शद, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को स्ट्रेसिंग का काम को दिखाने वाला हूं, वो भी डिटेल्स में। अगर आप नए इंजीनियर है, फ्रेशर इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, सुपरवाइज़र है, तो अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं या सिविल में काम करते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है। और भाई पोस्ट टेंशनिंग का जो काम है वो बहुत ही कम वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो मैं डिटेल्स में वीडियो बनाया हूँ आप लोगों के लिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया हूँ। तो गाइस चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस आज हम लोग स्ट्रेसिंग का काम करने वाले हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ये जो सेगमेंट आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर जो होल आप लोगों को दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5, तो 5 जो डक्ट है वो ट्रांसवर्स डक्ट है। तो ट्रांसवर्स डक्ट जो है तो कास्टिंग यार्ड में ही स्ट्रेसिंग कर दिया जाता है, लेकिन इसका जो लॉन्गिट्यूडनल डक्ट है वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। लॉन्गिट्यूडनल जो डक्ट होता है वो ऑन द साइड जब लॉन्च किया जाता है सेगमेंट को, उसके बाद उसको स्ट्रेसिंग किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो केबल कटिंग करके हम लोगों ने रख लिया है, इसको अभी थ्रेडिंग करना बाकी है। सेगमेंट के अंदर में हम लोगों को केबल थ्रेडिंग करना होता है। ये जो केबल है 15.2 mm का है, तो ये उषा मार्टिन का भी हम लोग यूज़ करते हैं और टाटा का भी यूज़ करते हैं। और ये देख सकते हो आप डी क्वाइलर में हम लोग केबल का बंडल को फिक्स किए हुए हैं। अगर इसका वीडियो आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल पर अपलोड है, या फिर यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा HT स्ट्रैंड क्वाइल अनवाइंडिंग, तो आप लोगों को हमारा वीडियो मिल जाएगा किस तरह से बंडल डालते हैं, किस तरह से इसको फिक्स करते हैं, किस तरह से इसका जो छेड़ा होता है उसको निकालना होता है, सारी चीज़ें स्टेप वाइज मैंने उसमें बताया है, आपको वीडियो मिल जाएगा। गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो केबल कटिंग हम लोगों ने किया है उसके अंदर में टेप मार रहे हैं। ये ब्राउन टेप जो है सो मुंडी के पास इसलिए मार देते हैं ताकि हम लोग जब केबल थ्रेडिंग करेंगे तो ये आसानी से कहीं बिना फंसे हुआ इस तरफ से उस तरफ निकल जाए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो केबल थ्रेडिंग का काम हो रहा है, जिसको हम लोगों को स्ट्रेसिंग करना है, क्योंकि आप देख सकते हो केबल को पुशिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं लोडिंग पॉइंट पे, और आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल डक्ट क्या होते हैं और ट्रांसवर्स डक्ट क्या होते हैं। तो ट्रांसवर्स डक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका हम लोगों को स्ट्रेसिंग करना है, और ट्रांसवर्स डक्ट को जो है सो कास्टिंग यार्ड में स्ट्रेसिंग कर दिया जाता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल जो डक्ट होते हैं वो आप लोगों को मैं इधर से दिखाऊँ, देख सकते हो आप इस तरह से यहाँ से वहाँ तक स्पैन आप लोगों को दिख रहा है। ये तो लोडिंग पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ सजा के हम लोग रखे हुए हैं, लेकिन साइड पर जब जाएगा तो कुछ इसी तरह से सेगमेंट आप लोगों को दिखेगा, ये S1 से लेकर के उस S1 तक। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो जब ये सेगमेंट लॉन्च हो जाएगा ऑन द साइड पर, तब ये लॉन्गिट्यूडनल डक्ट में HT स्ट्रैंड को डाला जाएगा, उसके बाद स्ट्रेसिंग किया कर दिया जाएगा। इस ये जो आप लोग होल देख रहे हो इस 19 केबल को डाला जाएगा, उसके बाद फिर में जैक लगा करके स्ट्रेसिंग कर दिया जाएगा। तो ये जो आप लोग देख रहे हो इसको एंकर कौन कहते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा होल है। जब स्ट्रेसिंग हो जाता है तब जा करके इसके अंदर में ग्राउटिंग फिल करना होता है, तो इसी होल की मदद से इसमें जी आई नेपल लगाएंगे, उसके बाद फिर गेट वाल लगाएंगे, फिर ग्राउट पंप से हम लोग ग्राउट इसके अंदर में फिल कर देते हैं। और गाइस इसमें जो सिस्टम यूज़ होता है वो 19DP15 का सिस्टम यूज़ होता है, मतलब बेयरिंग भी जो लगेगा उसके अंदर 19 होल रहेंगे। और गाइस हम लोग जो स्ट्रेसिंग करने वाले हैं आज वो 5S15 का सिस्टम है, इसमें मतलब 5 केबल है, तो अलग अलग साइड पर आपको केबल मिल जाएगा, मतलब अलग अलग डिज़ाइन का सिस्टम आपको मिल जाएगा, क्योंकि भाई कहीं पे 5 केबल होता है ट्रांसवर्स डक्ट में और कहीं पे जो है सो 4 डक्ट भी होता है, तो बेसिकली हम लोग उसको 5S15 ही सिस्टम कहते हैं। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेगमेंट का कास्टिंग ऑफ डेट है वो लिखा जा रहा है, जब भी ये सेगमेंट कास्ट होता है उसका डेट यहाँ पर मैंशन करना होता है, क्योंकि आप देख सकते हो डेट ऑफ कास्टिंग यहाँ पर लिखा जा रहा है 6/1/2023। स्ट्रेसिंग करने से पहले बेयरिंग लगाया जाता है, और बेयरिंग लगाने से पहले बेयरिंग को क्लीन भी करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से पेट्रोल की मदद से हम लोग बेयरिंग को क्लीन कर दिए हैं, इसका जो रस्ट है उसको निकाल दिए हैं। और गाइस देख सकते हो इसके अंदर में 1 2 3 4 5 होल है, इसको 5S15 का सिस्टम कहा जाता है। और इसमें देख सकते हो ये जो दो होल है ना ये ऊपर के साइड रहता है, मतलब इस तरह से जो बेयरिंग फिक्स होगा ना कुछ इस तरह से, दो होल ऊपर रहेंगे और 3 होल जो है से नीचे रहेगा।
अब लोगों को चलिए दिखा देते हैं, इसके अंदर में लाइव एजेस भी फिक्स करना होता है, तो लाइव एजेस का तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गैस मेरे हाथों में जो आप लोग देख रहे हो ये लाइव एजेस है, ये 38 mm का ये लाइव एजेस है जो कि 5S15 में हम लोग यूज़ करते हैं। देख सकते हो आप इसके अंदर बेसिकली 3 प्लाई होते हैं और 3 प्लाई के अंदर देख सकते हो इसके अंदर थ्रेड होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद। यहाँ पर आप देख सकते हो बेयरिंग रखा हुआ है, ये अभी क्लीन किया हुआ नहीं है, जो मैंने आप लोगों को पहले तस्वीर दिखाया वो क्लीन हम लोग किए हैं। इसका जो जस्ट ऑयल होता है इसको निकालना होता है, तो पेट्रोल की मदद से हम लोग आसानी से इसको साफ़ कर लेते हैं। और गैस ये जो देख रहे हो ना इसको पुलिंग प्लेट कहते हैं, हम लोग जैक के पीछे लगाएंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। और इसी पुलिंग प्लेट के अंदर में ये मास्टर वेजेस जो है सो हम लोगों को लगाना होता है, तो आप लोगों को आगे तस्वीर देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए लाइव वेजेस से ये बड़ा है मास्टर वेजेस, और इस मास्टर वेजेस में हम लोग मोम मतलब वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर में मोम लगाया जाता है इस तरह से। मोम इसलिए लगाते हैं ताकि जो स्ट्रेसिंग करने के बाद हम लोग वो रिलीज करते हैं ये आसानी से निकल सके मास्टर वेजेस हमारा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। और गैस ये जो स्केल आप लोग देख रहे हो इसी स्केल की मदद से हम लोग रीडिंग लेते हैं हर स्टॉक में, मतलब 50 जाएंगे, 100 जाएंगे, 150 जाएंगे, तो जो जैक का रैम होता है उसके अंदर हम लोगों को लगाना होता है इस तरह से, और स्केल लेते हैं इसमें। आप देख सकते हो ये जो स्केल है 300 mm का है, अगर इंच में करेंगे आप तो 12 12 मतलब कि 1 फीट का ये स्केल है जो कि आप देख सकते हो। और mm में हम लोगों को रीडिंग लेना होता है, ये देख सकते हो 10 20 30 40 50 इस तरह से हम लोगों को रीडिंग लेना होता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और लंच करने के बाद हम लोग स्ट्रेसिंग करने के लिए आए हैं ये सेगमेंट का, जो कि आप देख सकते हो वेजेस बेयरिंग हम लोगों ने ठोक दिया है। और इधर में आप लोगों को दिख रहा होगा ग्रिप लेंथ, ये जो केबल बाहर निकला हुआ है इसको हम लोग ग्रिप लेंथ कहते हैं। तो ग्रिप लेंथ के अंदर जो है हम लोगों को जैक लगाना होता है, और ये ग्रिप लेंथ जो हम लोग रखते हैं जैक के अकॉर्डिंग रखते हैं, जो हमारा जैक होता है उसके हिसाब से हम लोगों को ग्रिप लेंथ रखना होता है। यहाँ पर जो हम लोग जैक यूज़ कर रहे हैं 12/200 जो है सो मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि डायनेमिक कंपनी का है, मेरा ही कंपनी का है। तो मैक्सिमम ग्रिप लेंथ जो है सो हम लोग 700 mm रखते हैं, और अलग अलग जैक मॉडल के हिसाब से ग्रिप लेंथ अलग अलग हो सकता है अलग अलग साइड पर। तो गाइस कभी भी आप लोग स्ट्रेसिंग करने के लिए आओ तो बढ़िया से जो है सो लाइव वेजेस को ठोक देना है, और अच्छे से चेक कर लेना है कि एक भी प्लाई जो लाइव वेजेस का प्लाई होता है आगे पीछे ना हो, बराबर बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स किया हो और अच्छे तरीके से वो मतलब उसको बिठा देना है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जैक पंप भी देख लीजिए गेंट्री क्रेन की मदद से आ चुका है, और इसको जो हम लोग हैंग करने वाले हैं इसी गेंट्री क्रेन की मदद से हैंग करके रखेंगे, मतलब इसी गेंट्री क्रेन की मदद से हम लोग जैक लगाने का काम करेंगे और निकालने का काम करेंगे। और गाइस एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ आप लोगों को, कभी भी स्ट्रेसिंग करने के लिए आप जाओ तो ये जो केबल होते हैं जो ग्रिप लेंथ है उसको बढ़िया से पेट्रोल की मदद से क्लीन कर लेना, डीजल से मत क्लीन करना क्योंकि उसमें ऑयली रहता है, उस लीकेज का खतरा ज़्यादा रहता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को पेट्रोल से साफ कीजिए, पेट्रोल से थोड़ा अच्छा तरीके से क्लीन होता है ये। तो गाइस देख सकते हो हमारा पावर पैक और जैक आ चुका है, और हम लोग स्ट्रेसिंग चालू करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो आप लोगों को दिखाया ये पुलिंग प्लेट भी है, और ये पुलिंग प्लेट जो है सो जैक के पीछे में लगता है, यहाँ पर लगता है, और यहाँ पर ही जो है सो जैक का रैम भी निकलता है, उसमें हम लोग रीडिंग लेने वाले हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहे, और भाई वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। और गाइस स्ट्रेसिंग करने से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं, जो इसका हाउस पाइप का कनेक्शन होता है, ये जो हाउस है हाउस पाइप का कनेक्शन जो होता है जैक के अंदर किया जाता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। अच्छे से हाउस पाइप का कनेक्शन करने के बाद ही आप स्ट्रेसिंग स्टार्ट करें, मतलब जैक लगाने का काम करें। तो गाइस देख सकते हो हम लोग पहले जैक लगाएंगे, जैक लगाने के बाद फिर पुलिंग प्लेट लगाएंगे, तो अभी हम लोग जैक लगा रहे हैं जो कि आप देख सकते हो, और काफ़ी इजी तरीके से भाई जैक हमारा लग जाता है। ये पाइप साइड कर लो, देख लीजिए लग गया जैक, अच्छे से जैक को बिठा लेना है, चेक कर लेना है अच्छे तरीके से जैक का जो कॉलर हेड है बढ़िया से बैठा है या नहीं बैठा है वो देख लेना है। अभी देख सकते हो पुलिंग प्लेट हम लोग लगा रहे हैं जैक के पीछे में, जो कि आप देख सकते हो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया 2 होल ऊपर रहेगा और नीचे में 3 होल रहेगा। जैक जो है सो बिठ चुका है और हमारा पुलिंग प्लेट भी लग चुका है, इसके अंदर हम लोग मास्टर वेजेस लगाएंगे। तो गाइस मोम कैसे लगाना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये वैक्स है जो कि आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा हार्ड वैक्स है, तो इसको रगर की तरह कस के लगाना होता है, हल्का हल्का मोम जो है इसके अंदर लगा देते हैं, ताकि जब हम रिटर्न लेंगे तो आसानी से ये निकल सके।
ये मोम लग गया। अब उधर कैमरा पैन कीजिए, दिखाइए उनको। अब उठो, इसी तरह से सब में मोम लगाना होता है। इधर देखिए, इस तरह से मोम लगाना होता है। और स्ट्रेसिंग करने से पहले भाई जो मास्टर वेजेस होता है, आपको लगता है कि गंदा हो गया है तो पेट्रोल से आप अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेना। प्लाई खोल करके कोई डब्बे में इसको रख करके और पेट्रोल छिड़क देना इसके ऊपर में, ये बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हो, हमने मोम लगा दिया है। अब इसके अंदर में फिक्स करने का काम बचा हुआ है, तो आपको एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो, ये जो पाइप आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग हैमरिंग पाइप कहते हैं साइड पर। और देख सकते हो, इसको ठोकना है अच्छे तरीके से, ज़्यादा कस के मत ठोको, नॉर्मल ठोकना, आराम आराम से इरफान, एकदम प्यार से, प्यार से ठोको, प्यार से। देख सकते हो गाइस, अच्छे तरीके से हमारा मास्टर वेजेस फिक्स हो चुका है। चेक कर लेना, एक बार नज़र मार लेना है, एक भी प्लाई जो है सो आगे पीछे ना हो। बस चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्ट्रेसिंग चालू करने से पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मोटर का रोटेशन सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हम लोगों ने तीर का निशान लगा दिया है ताकि भाई कोई नया आदमी आए तो उसको समझ में आ सके। यहाँ पर स्टार्टर है, स्टार्टर को पहले ऑन करके देख लेंगे इसका रोटेशन हमारा क्लॉक वाइज नाच रहा है कि नहीं नाच रहा है। देख सकते हो हमारा जो स्टार्टर का ये मोटर है, क्लॉक वाइज जो है सो नाच रहा है। अब सबसे पहला काम आता है, कभी भी आप स्ट्रेसिंग करोगे तो यहाँ पर एक सेटअप वाल रहेगा। सेटअप वाल को सबसे पहले टाइट कर लेना है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है? अच्छे से टाइट कर लेंगे। कुछ पाना वाना रहेगा तो उसे भी ठोक सकते हैं, अगर लूज रहेगा तो बढ़िया से एकदम ताकत लगा के टाइट कर लेना है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर एक लीवर है, एक ये जो लीवर है स्ट्रेसिंग का लीवर है, और ये वाला जो लीवर है ये लॉकिंग का लीवर है। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर देख लीजिए दो डायल गेज लगा हुआ है। तो ये आपका जो है सो स्ट्रेसिंग का डायल गेज है और ये लॉकअप का डायल गेज है। तो यहाँ पर आपको मैं और चीज़ दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए 50, 100, 150, 200, 250, 300 इस तरह से जो है सो जाना है। हर स्टॉक में हम लोगों को रीडिंग लेना होता है। जैसे 50 जाएंगे तो जैक के रैम एरिया में जो है सो हम लोग स्केल लगाएंगे, उसके बाद भी उसका रीडिंग लेंगे। और गाइस कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि प्रेशर कितना जाना है, तो प्रेशर कितना जाना है वो हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है। जो भी डक्ट का जितना भी एलोंगेशन होता है उसके हिसाब से जैकिंग फोर्स ड्राइंग के अंदर मेंशन किया रहता है, उसके हिसाब से हम लोगों को जाना होता है। आपके साइड पर अलग अलग तरह का मतलब जैकिंग का फोर्स रहेगा ड्राइंग के अंदर में, तो उसी हिसाब से आप लोगों को फोर्स जाना पड़ेगा। और जितना भी हम लोड जाएंगे उसका 75% हम लोगों को लॉक करना होता है। तो गाइस देखिए, हमने स्टार्टर चालू कर दिया है, अब हम लोगों को लीवर दबाना है। जो देखिए हमने स्टेशन स्टार्ट किया है, लीवर दबाए हुए हैं। रीडिंग लो मार्किंग मारो। गाइस देख सकते हो, हमने 50 का भी स्टॉक दिया है और अभी हम लोग रीडिंग लेने वाले हैं। जो कि देख सकते हो जो रैम निकलता है ना जैक का, वहाँ पर हम लोग स्केल लगा करके रीडिंग लेते हैं। 25 रीडिंग आया। और जब रीडिंग लेते हैं तो यहाँ पर जो है सो आपका इंजीनियर रहेगा साथ में, तो वो जो है सो फॉर्मेट में रीडिंग लिखता रहेगा। उसका कैलकुलेशन अलग होता है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसका कैलकुलेशन का वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि भाई इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा पेपर वर्क करने में। तो कैलकुलेशन का वीडियो आप कमेंट करोगे तब मैं बनाऊँगा। इसी तरह से फिर हम लोग 50 जाएंगे, 100 जाएंगे, 100 पे भी फिर हम लोग स्केल लगा के रीडिंग लेंगे। और मार्किंग भी करना होता है, जब 50 हम लोग जाएंगे ना उस टाइम में मार्किंग हम लोगों को करना होता है ताकि भाई स्लिपेज ना हो। इसमें देख सकते हो स्ट्रेसिंग हम लोगों ने कर दिया, तो मार्किंग भी कर दिया है। तो भाई हर स्टॉक में जो है सो आप लोगों को रीडिंग लेना होगा, और जो साथ में रहेगा वो कैलकुलेशन करता रहेगा, रीडिंग का जो है सो भरता रहेगा फॉर्मेट। रीडिंग 105, हम लोग 450 जा रहे हैं। तो हर स्टॉक में भाई रीडिंग लेना होता है, लेकिन ये 450 हम लोग गए, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से रीडिंग लेंगे। तो गाइस फाइनल लोड हम लोगों ने दे दिया है, अब हम लोगों को लॉक करना है, उसके बाद फिर रिलीज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम लॉक कर रहे हैं, और लॉक भी भाई आराम आराम से करना है। ये लीवर है, ये लीवर को प्रेस करना है और लॉक करना है। 5 से 7 बार हम लोगों को लॉक करना होता है। लॉक तो खैर एक ही बार में हो जाता है, लेकिन 5 से 7 बार लॉक कर लेते हैं ताकि तसल्ली हो जाए। लॉक हमारा हो गया है, उसके बाद काम आता है इसको रिलीज़ करने का। तो रिलीज़ आप जब भी करो तो बिल्कुल स्लोली रिलीज़ करना है। रिलीज़ कहाँ से करेंगे, तो जो सेटअप वाल को हमने टाइट किया था उसको ही थोड़ा थोड़ा करके रिलीज़ करना है। अगर के पास आपके पास पाना वगैरह है तो धीरे धीरे इसको मारेंगे, और ये जो प्रेशर है वो तो हमारा ड्रॉप होगा। तो जैसे सकते हो अभी हम जो है धीरे धीरे करके रिलीज़ कर रहे हैं, हल्का हल्का इसमें प्रेशर दे रहे हैं, ये धीरे धीरे करके रिलीज़ हो रहा है। फास्ट रिलीज नहीं करना है क्योंकि स्लिप होने का फिर खतरा रहता है।
ज़ीरो हो गया है, अब हम लोगों को रिटर्न लेना है। तो गाइस लॉक करने के बाद जो है सो हम लोगों को रिटर्न लेना है। तो ये वाला जो लीवर है प्रेशर हमारा बिल्कुल ड्रॉप हो चुका है और हमको रिटर्न लेना है। ये लीवर को दबाएंगे तो रिटर्न होगा। रैम अंदर जा रहा है, उसका वीडियो बनाइए। रैम रैम के पास, रैम जो अंदर जा रहा है नज़दीक से, नज़दीक से। तो गाइस देख सकते हो अभी हम लोग रिटर्न ले रहे हैं और रैम हमारा अंदर जा रहा है, जो कि आप देख सकते हो रैम अंदर जा रहा है हमारा धीरे धीरे करके, क्योंकि भाई यहाँ पर हम लीवर दबा के रखे हैं। चेक कर रहे हैं, जब पूरा अंदर चला जाएगा, रैम अंदर जाएगा तो बताना। ओके सर, रैम चला गया अंदर, हो गया ना। तो गाइस देख सकते हो रैम अंदर हमने ले लिया है। तो रैम अंदर हमने ले लिया है, अब मास्टर वजह से निकालेंगे, उसके बाद फिर दूसरे डक में हम लोग लगाएंगे जैक को। तो इसी तरह से स्ट्रेसिंग होता है। और भाई जब स्ट्रेसिंग आपका कंप्लीट हो जाए तो मार्किंग आप ज़रूर कर दें, क्योंकि भाई स्लिपेज चेक करना होता है 24 आवर्स के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हो केबल के अंदर में हम लोगों ने मार्किंग किया है, आप देख सकते हो सारा डक्ट में जो है सो हम लोगों ने मार्किंग किया है, देख सकते हो सब जगह पर मार्किंग किया हुआ। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रिप लेंथ एक छोटा है, एक बड़ा ग्रिप लेंथ है, उसके बाद फिर छोटा ग्रिप लेंथ है, फिर उसके बाद बड़ा ग्रिप लेंथ है। तो हम लोग जो है ड्राइंग के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में स्ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो छोटा वाला जो ग्रिप लेंथ आप लोग दिख रहा होगा उसको हम लोग उस तरफ से स्ट्रेसिंग करेंगे। तो ये जो हम लोग सीक्वेंस में स्ट्रेसिंग कर रहे हैं तो पहले 3 नंबर का स्ट्रेसिंग करेंगे। ये S1 का सेगमेंट है इसलिए आप लोगों को 4 डक्ट दिख रहा होगा। तो 3 नंबर को हम लोग पहले स्ट्रेसिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 4 नंबर को स्ट्रेसिंग करेंगे उस तरफ से, वो वाला स्ट्रेसिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों को 2 नंबर का स्ट्रेसिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोगों इधर से ये साइड से 1 नंबर को स्ट्रेसिंग करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आप लोगों को पूरा रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। तो गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।